शुरुआत में राजेश जी आपसे करूंगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं और जो कंडीशन लगाई है आम आदमी पार्टी ने उसमें कहा मध्य प्रदेश छोड़ दे, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है और आम आदमी पार्टी की, ये समझना चाहेंगे सभी लोग। जी देखिए, मध्य प्रदेश का जो चुनावी तस्वीर और चुनावी गणित और समीकरण रहता है या रहा है, उसमें तीसरे दल के लिए अभी तक तो बहुत महत्वपूर्ण कोई उपस्थिति का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर रिकॉर्ड रहा भी है तो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का रहा है। और इस बार हाल के जो दिन हम देखते हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी उस इलाके में कमजोर दिख रही हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी का प्रस्ताव है उसमें, उसको देख के तो मुझे बहुत ही मतलब हंसी होती है, हंसी आती है कि ये वो ऐसा प्रस्ताव कैसे कर पा रहे हैं। ये एक निहायत ही कॉरपोरेट शैली का एक प्रस्ताव है, जैसे कई बड़े ठेके हथियाने के लिए अक्सर दो ठेकेदार आपस में हाथ मिला लेते हैं और भाई ये ठेका तुम ले लोगे, ये ठेका हम ले लेंगे, ये तुम्हारा ठेका हो जाएगा, ये बड़ा वाला हमारा हो जाएगा, इसमें हम आपको काम दे देंगे। ये कुछ उस तरह का प्रस्ताव है और ये कोई बहुत ही स्वस्थ संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। ये मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस छोड़े क्यों दिल्ली और पंजाब। अगर 2019 को आप देख लें, इलेक्शन को नतीजे देख लें, तो जहां तक मुझे ठीक याद आ रहा है उसमें करीब करीब सभी लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस रनर की स्थिति में थी। आम आदमी पार्टी संभवतया, अगर मेरा ठीक है रिकॉर्ड, तो तीसरे नंबर पर थी। 2014 के इलेक्शन को भी अगर आप देख लें तो एक दो सीटों पर कुछ बढ़त थी, लेकिन कांग्रेस की अच्छी खासी परसेंटेज थी। तो जिस पार्टी की उपस्थिति दो दो राज्यों में और दोनों राज्यों में उसकी सरकारें रही हैं, तो उन सरकारों को कोई पार्टी कैसे, अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है, तो उसके बाद से पार्टी की जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो प्रदेश कांग्रेस के हाथ से फिसल रहे हैं, निकल रहे हैं, या वहां का संगठन ढांचा कमजोर हो रहा है, या वो अगले चुनाव में उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उन चुनावों में वो अपना सिर कटाने के लिए कैसे तैयार हो सकती है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में भी एक वोट बैंक है, पंजाब में भी वोट बैंक है, तो वो भारतीय जनता, और वो वैचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी आप भारतीय जनता पार्टी के मुझे तो ज्यादा करीब नजर आती है। तो जिसके साथ आपकी वैचारिक समानता हो उसके साथ आप जाएं वो ज्यादा बेहतर होता है। तो आपने हमेशा से, जब अपने जन्म के बाद से, जितने प्रदेशों में चुनाव लड़ा है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसका अर्थ यह है कि वो वैचारिक धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के अधिक निकट है, करीब है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ये प्रस्ताव उनको भारतीय जनता पार्टी को रखना चाहिए। कांग्रेस के लिए तो कम से कम मेरी नजर में ये प्रस्ताव ठीक नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में देखिए, प्रतिपक्षी एकता के लिए चूंकि वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि देखो भाई हमने तो विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा था और बाद में वो कैसे उन्होंने माना ही नहीं, तो ये एक तरह के लिए अपने अपने बैंक में एक बहाना, बैंक में एक बहाना जोड़ने का एक मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रस्ताव है। बिल्कुल। जी मैं सतीश जी आपके पास आऊंगा। हम लोग तो इंडियन एक्सप्रेस का समूह का हिस्सा रहे, एक्सप्रेस में भी रहा, जनसत्ता में भी रहा, और 80 के दशक के बाद के जितनी विपक्ष की राजनीति हुई एक्सप्रेस ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई है, हमारे संपादकों ने भी निभाई है, और हम लोग भी उनके साथ रिपोर्टिंग में रहते थे, तो वो दौर भी देखा है, आज भी हम लोग वही करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।